वेलकम टू रजाटिक वेव गाइस। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मेरे लास्ट विजिट सीबीडी बैंक में मैं विजिट किया और अकाउंट क्लोज करने के लिए मेरे साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, जो सवाल पूछा गया है, जो डॉक्यूमेंट्स लिया गया है और मैंने उनसे क्या क्या सवाल पूछा, ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पर बने रहें। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक डायरेक्ट पहुंचती रहे। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूं कि आपके मन में कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ये बिल्कुल भी फ्री है और मैं इस पर वीडियोस भी बनाते रहता हूं। तो गाइस, जैसा कि मैंने सबसे पहले बैंक में विजिट किया और अपना टोकन लिया, टोकन लेने के बाद मैं अपनी बारी का इंतज़ार करता रहा। इंतज़ार करने के बाद मेरा जो है एक्चुअली अकाउंट क्लोज करने का चीज़ था, तो मुझे डायरेक्ट जो है ब्रांच मैनेजर के पास भेजा गया। ब्रांच मैनेजर के पास जाने के बाद उन्होंने मुझसे किसी भी तरीके की कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ बोला आपका अपना एमरेस आईडी दे दो। मैंने सिर्फ उनको अपना एमरेस आईडी दिया है, उन्होंने ना मुझसे बैंक अकाउंट पूछा, ना अकाउंट नंबर पूछा, ना अकाउंट्स की डिटेल पूछी, ना ही कोई OTP, ना ही कोई चेकबुक, ना ही कोई डेबिट कार्ड, ना ही भी किसी तरीके के बैंक इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ एमरेस आईडी। मैंने एमरेस आईडी दिया, देने के बाद मैंने उनसे पूछा कि मैं ये अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ, मुझे किसी भी तरीके की फ़ीस या चार्जेस तो नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर आपका अकाउंट 6 महीना पुराना है तो आपको किसी भी तरीके की चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो मेरा अकाउंट तो काफ़ी पुराना था तो मुझे कोई भी फ़ीस और चार्जेस नहीं लगी। इसके बाद मैंने पूछा, मेरे अकाउंट में थोड़े बैलेंस है 10-15 दिरहम, क्योंकि बाकी के बैलेंस तो मैंने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर लिए थे और जो बचे थे निकाल लिया था। अब 12 दिरहम तो ATM से निकाल नहीं सकता था। मैंने पूछा इसका क्या होगा, ये मुझे मिलेगा या तो इसको छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये बिल्कुल मिलेगा, अगर 12 की जगह अगर 2 दिरहम भी होता तो भी आपको मिलता। आपको सिंपली यह प्रोसेस होने के बाद कैश काउंटर पर जा करके ये स्लिप दिखाना है और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो सिंपली गाइज मैंने वैसा ही किया। तो मैडम ने फिर तीसरा सवाल मैं मैडम से पूछा, मैडम ये जो चीज़ें हैं ये CBD बैंक में, ये आपने टर्म्स एंड कंडीशन इतनी सारे लगा दिए हैं, पहले ज़ीरो बैलेंस था इस वजह से मैं अकाउंट क्लोज़ कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक अकाउंट का ये भी बताया कि अगर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना है तो आप CBD बैंक का ई सेवर अकाउंट ओपन कर लीजिए, लेकिन उसमें एक ही चीज़ है कि इसमें जो है आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन पैसे आप निकाल सकते हो, जमा भी कर सकते हो। तो CBD बैंक की ई सेवर अकाउंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया हूँ, जो आप जाकर के देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ सिंपली मुझे एक जगह सिर्फ एक सिग्नेचर करना पड़ा और अपना एमरेस आईडी दिखानी पड़ी। इसके अलावा मुझे किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं हुई अपना अकाउंट क्लोज करने के लिए, क्योंकि मेरे अकाउंट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं थी, माइनस नहीं था कोई भी पैसा, कोई ट्रांजेक्शन फेल नहीं था और आराम से अकाउंट मेरा क्लोज़ हो गया। लेकिन इसका अकाउंट क्लोज करने का प्रोसेस 3 से 5 दिन है। वो सारे इन्फॉर्मेशन करने के बाद वो आपको बोलते हैं कि 3 से 5 दिन के अंदर आपका अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा और अकाउंट क्लोज़ होने के बाद आपको एक ऑफिशियली ईमेल भी भेज दिया जाएगा। तो गाइज, ये था मेरा लास्ट विजिट जिसमें मैंने अपनी आसानी तरीके से CBD बैंक का अकाउंट क्लोज़ कर लिया है। और आप सभी लोगों को भी अगर अपना CBD बैंक का अकाउंट क्लोज़ करना है तो सिंपली कोई भी ब्रांच CBD बैंक में विजिट करें और आराम से अपना अकाउंट क्लोज़ कर लें। तो गाइस, किसी भी तरीके का कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।